दोस्तों बांग्लादेश 1,47,610 वर्ग किमी का एक छोटा सा देश, जिसकी पश्चिमी सीमा पर भारत के पश्चिम बंगाल, उत्तर में पश्चिम बंगाल, आसाम और मेघालय, पूरब में त्रिपुरा, मिजोरम और म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी मौजूद है। वैसे तो ये देश एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन हाल फिलहाल में ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM बनाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में कुछ क्षेत्रीय घटनाएं ने बांग्लादेश की आर्म फोर्स को, बांग्लादेश के सशस्त्र बल को इस तरीके की डिटरेंस कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए मजबूर कर दिया है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अपनी सोवर्जिनिटी यानी अपनी स्वतंत्रता और अपनी देश की शांति बनाए और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं। दोस्तों मिलिट्री सोर्सेस से ये पता लगा है कि बांग्लादेश ने अंतर्जातिक नियमों के अंतर्गत ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिए। दोस्तों एक शांतिप्रिय देश के रूप में बांग्लादेश का एक लंबा इतिहास रहा है। बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लेकिन बांग्लादेश सरकार को अब अपने देश की शांति और स्थायित्व, साथ ही पूरी दक्षिण एशिया में भी शांति बनाए रखने के लिए कुछ अलग तरीके की डिटरेंस पावर हासिल करने की ज़रूरत महसूस हुई है। और इसी प्रक्रिया में बढ़ते हुए बांग्लादेश ने अब ये डिसाइड किया है कि वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश किस देश से SRBM यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो की आखिर तक पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों आइए बताते हैं। दरअसल हाल फिलहाल में बांग्लादेश सेनावाहिनी की एक डेलीगेशन टीम तुर्की के दौरा किया था, जहाँ पर तुर्की द्वारा निर्मित शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM बोरा का प्रदर्शन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ बोरा एक तुर्कीस डिफेंस कंपनी रॉकेटसन द्वारा बनाया गया टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें गाइडेंस के तौर पर GPS और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। इस SRBM इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का वजन करीबन 2500 किलोग्राम यानी कि 2500 केजी है और ये 470 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड वहन करने में सक्षम है। दोस्तों आपको बता दूँ इस तुर्किस SRBM का रेंज फायर रेंज है करीबन 280 किलोमीटर तक। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश सेनावाहिनी का खुद का मैगजीन सेना वार्ता में ऐसा बताया गया है कि आगामी 2030 तक बांग्लादेश सेनावाहिनी अनगिनत सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूँ तुर्की की बोरा मिसाइल के अलावा चाइनीज DF-12 या फिर M-20 SRBM या फिर इसी का डाउनग्रेडेड वर्जन SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल भी इस रेस में शामिल है, जहां पर DF-12 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज 100 से 420 किलोमीटर तक है, तो वही SY-400 SRBM का रेंज 280 से 360 किलोमीटर तक है। लेकिन दोस्तों ये सब SRBM खरीदने में बहुत समय लगेंगे, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश सेनावाहिनी टाइप बी या फिर टाइप ए गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने की विषय में सोच रहा है और इस विषय में तुर्की का T-300 MLR रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सबसे आगे है, जो कि शायद भविष्य में बांग्लादेश की अगला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि म्यांमार के पास कई दशकों के पुराना नॉर्थ कोरियन हाउसेंग 6 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक बर्मीज आर्मी के पास कुल 6 से 8 इस तरीके की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। हाउसेंग 6 मिसाइल का रेंज करीबन 500 मीटर से 1000 मीटर तक है। हालांकि ये काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी किसी भी देश के नागरिकों को क्षति पहुंचाने के लिए भी ये काफ़ी है। इसीलिए बांग्लादेश के पास खुद का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि बर्मीज का इस तरीके की थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके, ख़त्म कर सके। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट में बताइए कि क्या बांग्लादेश को तुर्की का बोरा SRBM या फिर चाइनीज DF-12 या फिर M-20 SRBM या फिर उसका डाउनग्रेडेड वर्जन SY-400 कौन सा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बांग्लादेश को खरीदना चाहिए और क्या यह बांग्लादेश गवर्नमेंट का एक अच्छा डिसीजन है या नहीं, ये आप नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में रही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ ये भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले एक टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर।
गुड बाय।